पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। कुछ लोग 15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 15, लेकिन एक मिनट सोचते नहीं कि कयामत तक पढ़ेंगे। और कुछ लोग 7 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन 10 घंटा सोचने के माहौल में, ये जीतेगा? ये जो ए है ये हारेगा और बी वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी टोटल मेहनत है 17 घंटा, इसकी टोटल मेहनत है 15 घंटा, कम है बी वाले से, तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है। यही तुम्हारे में मिसिंग है, यही बहुसंख्यक लोगों में मिसिंग है। जय हिंद फ्रेंड्स। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ तो ये भी रहा है मनोहर कहानियां, उसका चैप्टर पढ़ रहा है, पहला चैप्टर कानपुर की हसीना। एक आदमी पढ़ रहा है द वीक, पढ़ दोनों रहे। एक आदमी बात कर रहा है, सभी बात करेंगे पड़ोसी की, एक आदमी बात कर रहा है ध्यान की, हमारे दोस्त हैं, अब तो दोस्ती रही नहीं, नाराज हो गए बेचारे हमसे। लेकिन सबसे पहले उन्हीं को नौकरी मिली थी, वो भी सरकारी, तो सरकारी नौकरी मिलना भारत में, उनको 22 साल में नौकरी लग गई। तो यूएन का समझौता होता है सबके बीच में, आपके भी दोस्तों के बीच में होगा, हमारे भी था, कि एक्स्ट्रा खर्चा यही करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे यही। बड़ा जलवा था उनका ग्रुप में, बड़ा दबदबा था। तो बेचारे पिक्चर दिखाते थे, मूवी दिखाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक मूवी की 2 टिकट थी, जिसको बुलाए थे देखने के लिए, वो आया नहीं, पता नहीं आया नहीं, आई नहीं, जो भी हो, पर वो नहीं आया। तो किसी ढूंढ रहे थे वो, तो मैं टकरा गया। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम मूवी देखने चलो। हमने कहा चलो, कौन सी मूवी है? कहे हिस, मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी थी हिस। हिस, ये कौन सी मूवी है यार? अरे बोले बाहर में गई मूवी की थीम, मल्लिका जी ने 17 किसिंग सीन दिया है। अरे मैंने कहा जाहिल, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही है, उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है? ये लव के बारे में सोच रहा है, आंख बंद किए, एनसीईआरटी सामने खुली है, तो सोच रहा क्लास में जाएंगे आज, उससे नोट्स मांग के लेकर आएंगे और ऐसा करेंगे। ये आईआर के बारे में सोच रहा है, इकॉनमी के बारे में सोच रहा है। ये जो है ना ग्रुप ए और ये ग्रुप बी, अब तुम देख लो उसमें से तुम किसमें हो। ये करने की चीज है, सोचने की चीज थोड़ी है। बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है। तो अगर तुम ये करने लगे तो एक दिन तुम भी लिंकन की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, गांधी की श्रेणी में खड़े हो जाओगे, अंबेडकर की श्रेणी में खड़े हो जाओगे। परिवर्तन की इसी धारा को कैसे करेंगे?
ध्यान से, तपस्या से, बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़ा होकर पढ़ो, भुना चना रख लो खाओ, और बढ़िया पनीर वनीर ला के घर में रखे रहो, मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा, ये तो हमारी आदत है ना कि ये कर दोगे तो ये करूंगा, इसको पहले मत खिलाओ, यही तपस्या है। जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना, ठंडक में बैठे हैं बाहर, गर्मी में बाहर बैठे हैं, कांटे प्लेटे, ये मन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है। तुमको लगता होगा ये पागल है, पागल नहीं है ये। अस्पताल में, हॉस्पिटल में कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए, सब राम 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 राम। तो ये जो कष्ट देकर मन को साधने का काम है वही तपस्या है, वो करनी पड़ेगी, उससे कोई बचा ही नहीं सकता। कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई ताबीज, सवाल ही नहीं उठता। मैं यही सिलेबस, यही प्रोग्राम शाम को भी कर सकता था, और लड़के मिलते। कई लोगों ने हमसे कहा रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, हमने कहा ना, वो भी पहला चैप्टर यूट्यूब पे जा रहा है, उसके बाद नहीं जाएगा। एक आध और कोई चला जाए, समाज सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है वो जा सकता है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड करके रील बनाने के चक्कर में, बनाओ तुम्हारा, अच्छी बात है। ये डायग्राम तुम बना लो अपनी डायरी पे, जिसको समझ में आ गया कि मन क्या है और मुझे बेवकूफ कौन बना रहा है, और इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा, शिक्षा। और देश सिर्फ बुद्धों के बल पे नहीं चलेगा, आइंस्टीन भी होना चाहिए, न्यूटन भी होना चाहिए, केपलर भी होना चाहिए, कॉपरनिकस भी होना चाहिए, गैलीलियो भी होना चाहिए। सिर्फ बुद्ध, महावीर, श्री राम, श्री कृष्ण के बल पे देश नहीं चलेगा। तो देश जो है, समाज जो है, वो सिर्फ बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, भगवान सबके आगे लगा लेना, सिर्फ इनके बल पे नहीं चलेगा, उसको आइंस्टीन भी चाहिए, उसको न्यूटन भी चाहिए, उसको केपलर भी चाहिए, उसको कॉपर गैलीलियो भी चाहिए। अब ये डायग्राम मिसिंग है, अब ये डायग्राम मिसिंग था। अब ये डायग्राम अगर तुम उस पैराग्राफ के अंत में बना लेते, पिक्चर तुम्हारी क्लियर हो जाती। ये सोचने का परिणाम है और ये पढ़ने का परिणाम है, ये पढ़ने का परिणाम है और ये सोचने का परिणाम है। तो क्या मिसिंग है तुम्हारे पास अभी? सोचना। पढ़ तो तुम रहे ही हो, पढ़ तो तुम रहे हो, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं, अब पढ़ने और सोचने का जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ना और सोचना, कुछ लोग 15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 15 घंटे, लेकिन 1 मिनट सोचते नहीं। ये कयामत तक पढ़ेंगे। और कुछ लोग 7 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन 10 घंटा सोचने के माहौल में है, वही चल रहा है, वही प्रियम्बल चल रहा है, वही इतिहास चल रहा है, वही ज्योग्राफी मन में, जब आंख बंद कर रहे हैं सब वही चीज चल रही है। ये जीतेगा, ये जो ए है ये हारेगा और बी वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी टोटल मेहनत है 17 घंटा, और प्रोडक्टिव पॉजिटिव इसकी टोटल मेहनत है 15 घंटा, कम है बी वाले से, तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है। यही तुम्हारे में मिसिंग है, यही बहुसंख्यक लोगों में मिसिंग है, और इसको पैदा करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है, है ही नहीं। ऐसे पढ़ना है
तुमने पढ़ने को रटाई मान लिया। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। ज्वाइन आवर न्यू ऑफलाइन बैच फॉर एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्रीकम मेंस एट इकरा आईएएस कानपुर, स्टार्ट्स फ्रॉम 4th मार्च। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर न्यू ऑनलाइन बैच एट ikraias.com।